चलो अब सेंस ऑफ ह्यूमर को समझते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, लड़कियों को ज्यादा अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लड़के क्यों पसंद होते हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है तुम्हारे अंदर किसी चीज को हास्यमय बनाने की कितनी काबिलियत है, तुम कैसे किसी चीज को फनी बना देते हो, किसी बातों को फनी बना देते हो अपने शब्दों के जरिए। सेंस ऑफ ह्यूमर एक मेंटल स्टेज क्वालिटी है, हर किसी में सेंस ऑफ ह्यूमर एक मेंटल स्टेज क्वालिटी होती है। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम जिम जाते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, या फिर तुम काफी फिट नजर आते हो, तो तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग माना जाता है। वैसे ही अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो तुम्हें दिमागी तौर पर अच्छा माना जाता है। तुम दिमागी तौर पर कितने स्ट्रांग हो, कितने ताकतवर हो, उसका पता चलता है तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर से। तो सेंस ऑफ ह्यूमर से काफी चीजें निकलकर सामने आती। सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर वही सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता कि तुम्हारे अंदर किसी को हंसाने की काबिलियत है। हालांकि आजकल या फिर काफी टाइम से लोग यही मानते आए हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है आपके अंदर दूसरों को हंसाने की कितनी अच्छी क्वालिटी है, आप दूसरों को कितना अच्छा हंसा सकते हैं, वही आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ हंसाने का मतलब नहीं होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर से और काफी चीजें निकलकर सामने आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपके इंटेलिजेंट होने का सबूत होता है, अच्छी इंटेलिजेंस का सबूत होता है। लेकिन असल में अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर और इंटेलिजेंस का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो चुपचाप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो सकता है। बस वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, शांत होते हैं, इसीलिए उनके शांत होने के कारण को समझ लिया जाता है कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे मान लो कोई राइटर है या फिर कोई कवि है, कविताएं लिखता है, किसी को लिखने का शौक होता है, तो वो इंसान कैसे नॉन इंटेलिजेंट हो सकता है? वो इंसान जाहिर सी बात है वो इंटेलिजेंट होगा, जिसे लिखने का शौक है, जो एक कहानी लिख सकता है, जो एक कविता लिख सकता है, वो इंटेलिजेंट होगा। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर किसी इंट्रोवर्ट इंसान का भी अच्छा हो सकता है, बस उसका अपने ह्यूमर को, अपने जो उसकी समझ होती है, उसका तरीका अलग होता है चीजों को देखने का। वो ज्यादा हंसता नहीं है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर उन लोगों का भी अच्छा होता है जो इंट्रोवर्ट होते। दूसरा है, सेंस ऑफ ह्यूमर से सिर्फ तुम्हारे फनी होने का पता नहीं चलता, सेंस ऑफ ह्यूमर से तुम्हारे एक्सट्रोवर्ट होने का पता चलता है कि तुम कितने एक्सट्रोवर्ट हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, तुम कितनी जल्दी फैसले ले सकते हो, ये चीज नोटिस की जा सकती है। लड़कियों का सबकॉन्शियस इस चीज को समझ लेता है। अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो लड़की को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दूर से ही पता चल जाता है कि तुम डिसीजन मेकिंग में भी अच्छे इंसान होगे, तुम बिस्तर में कितने अच्छे हो, तुम सेक्सुअली कितने स्ट्रांग हो, तुम मेंटली कितने स्ट्रांग हो। इन काफी चीजों का अंदाजा दूर से ही लड़कियां अपने सबकॉन्शियस से ही लगा लेती हैं अगर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ हंसाने वाली क्वालिटी नहीं होती, इसमें और काफी चीजें होती हैं जो एक औरत, एक लड़की पता लगा लेती। एक कारण और है, देखो लड़कियों में बोलना एक क्वालिटी है। जैसे आपने औरतें देखी होंगी, लड़कियां देखी होंगी कॉलेज में, ग्रुप्स में, वो एक दूसरी से बढ़ चढ़ कर बोलती हैं, बहस में एक दूसरी को हराती हैं, हंसती हैं, बातें करती हैं, दूसरों का मजाक उड़ाती हैं, कोई किसी को गाली भी दे देती है। हर किसी का अपना तरीका होता है दूसरों को हंसाने का, हर किसी का बहस में जीतने का तरीका होता है। तो लड़कियों में बोलना एक क्वालिटी है, वो तुम्हारे बोलने को, तुम्हारे हंसाने को, तुम्हारे अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर को एक क्वालिटी की तरह देखती हैं। जबकि बाकी लोग ज्यादा बोलने को बुरा समझते हैं, गंदा समझते हैं, उनको लगता है कि सीरियस होना ज्यादा अच्छी चीज है, इंसान को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए।
जो थोड़े ज्यादा समझदार लोग होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, वो उनकी सोच ऐसी होती है। अब देखो, लड़कियों को सिंगर बहुत पसंद होते हैं, गीत गाने वाले, गिटार बजाने वाले। क्यों? क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा सोचती हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, पूरा दिन कोई ना कोई बात उनके दिमाग में चलती रहती है, घूमती रहती है, वो कुछ ना कुछ सोचती रहती है, और सोचती रहने के कारण अक्सर उनका मूड खराब ही रहता है। और लड़कियां अपनी जिंदगी ज्यादातर, जो दिमागी तौर पर अपनी जिंदगी होती है, वो कानों से जीती हैं, वो सुनकर जीती हैं, ज्यादा सबकॉन्शियसली स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए उनके कान ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको सुनने में किसी चीज को अच्छा लगता है। जैसे अगर लड़की के सामने टीवी के ऊपर स्क्रीन पर एक बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, कोई मूवी चल रही है, तो उससे ज्यादा उसे वो कहानी अच्छी लगेगी जिसको सुनाया जा रहा है, शब्दों से सुनाया जा रहा है। हाँ, हालांकि लड़के मूवीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियां कहानियां सुनना पसंद करती हैं, उनको कहानियां अच्छी लगती हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर किसी कहानी को सुनाने का तरीका ही होता है जिसमें थोड़ी हंसी भी छुपी होती। तो इसीलिए लड़कियों को सेंस ऑफ ह्यूमर वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लड़के पसंद होते। अब देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। मूवीज देखो, सबसे पहला पॉइंट है मूवीज देखो, स्टैंड अप जो कॉमेडियन होते हैं, फनी मूवीज देखो, स्टैंड अप कॉमेडियंस के जो शोज होते हैं, टीवी के ऊपर चलते हैं या फिर मोबाइल के ऊपर है, यूट्यूब है, उसके ऊपर देखो, काफी टाइम तक देखो। अगर तुम्हें दूसरों को हंसाने का शौक है, तुम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना चाहते हो, फनी मूवीज या फिर कॉमेडी शोज देखने से क्या होता है, आपका दिमाग भी वैसे ही चलने लगता है जैसे जैसे आप किसी चीज को सुनते हो, किसी जोक को सुनते हो, बार बार रिपीटली किसी आर्टिस्ट को सुन रहे होते हो, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहे होते हो, तो जैसे वो बोल रहा होता है, जैसे उसका दिमाग काम कर रहा होता है, वैसे ही विचार आपके दिमाग में भी काम करने लगते हैं। आपका दिमाग एक एक तरह की सामने वाले की कॉपी कर लेता है, उस चीज को वो अपने अंदर जमा लेता है। जैसे आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में आपका टीचर आपको पढ़ाता है, अगर आपको टीचर बनने का शौक है, और आप जब बड़े हो जाएंगे, जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे, जब आप खुद टीचर बनेंगे एक दिन, तो शुरुआती दौर में कुछ सालों तक आपका टीचर ही आपसे अंदर, आपके अंदर से बोलता रहता है, आप खुद नहीं बोल रहे होते, आपकी कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं होती, आपका टीचर ही आपके आगे बोल रहा होता है, जो टीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है, आप उसी की आदतें सीख जाते हो, उसी से बोलने का तरीका सीख जाते हो, और वैसे ही फिर आपकी आवाज हो जाती है, वैसे ही आपकी बातें हो जाती है। तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के जो शोज होते हैं वो देखो, जोक्स पढ़ो, उससे तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को डिवेलप होने में मदद मिलेगी, तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। एक चीज और बहुत जरूरी है, अगला पॉइंट है स्टे पॉजिटिव। अगर तुम पॉजिटिव नहीं रहते, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम पॉजिटिवली नहीं सोच सकते तो तुम नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं क्रिएट करती। तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव चीजों को देखो, पॉजिटिव नजरिए से सोचो, और पॉजिटिविटी से ही हंसी निकलती है, पॉजिटिविटी से ही नए नए विचार आते हैं, तुम्हें वैसे ही विचार आएंगे, और कॉमेडी एक तरह से इंसान को पॉजिटिव ही कर रही होती है, नेगेटिविटी तो पैदा नहीं करती ना कॉमेडी। कॉमेडी जो होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है, वो पॉजिटिव रहने से ही आपके अंदर डेवलप होता है। तो दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव रहो, उसके बाद है प्रैक्टिस करते रहो, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, दूसरों की परवाह मत करो कि कोई तुम्हारे जोक के ऊपर हंस नहीं रहा है, चाहे कोई हंसे या फिर ना हंसे, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉमेडी में या फिर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करने के लिए ही प्रैक्टिस अच्छी होती है या प्रैक्टिस चाहिए होती है, किसी भी काम में तुम आगे जाना चाहते हो, उसमें तुम्हें प्रैक्टिस, सबसे पहला नंबर प्रैक्टिस का ही आता है। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है बार बार किसी चीज को रिपीट करना, और रिपीट करने से क्या होता है, आपका दिमाग कई नई
चीजें अपने आप बनाना शुरू कर देता है। अगर आप लगातार जोक सुनते हैं, कॉमेडी सीरियल देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, या फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं उनके सीरियल देखते हैं, उनके शोज देखते हैं, तो आपका दिमाग प्रैक्टिस के जरिए वैसा ही डिजाइन होना शुरू हो जाएगा और वो भी वही चीजें फिर अपनी तरफ से नई चीजें बनाना शुरू कर देगा। नए जोक आप क्रैक करने लगोगे और आप खुद महसूस करोगे कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पहले से अच्छा हो रहा है। उसके बाद है अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हंसी तभी आती है जब वो किसी चीज को देख रहे होते हैं। अगर उनको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, आपके एक्शन आपके रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहे, तो उनको वो बातें समझ में ही नहीं आती। तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर भी ख्याल रखो जब आप कोई जोक क्रैक कर रहे हैं, जब आप किसी को हंसाना चाह रहे हैं या फिर हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली आपका नेचर ऐसा ही है। दूसरे लोगों के जोक्स के ऊपर भी हंसो। अगला पॉइंट है, अगर आपका कोई दोस्त है, आप एक ग्रुप में खड़े हैं, आपका कोई दोस्त है जो बहुत फनी है, आप भी फनी है, तो जलना नहीं है सामने वाले के ऊपर कि वो आपसे अच्छा कैसे जा रहा है। नहीं, कॉपरेट करो। अगर दूसरे आपको हंसा सकते हैं तो पहले खुद हंसो। अगर आप खुद हंसते हैं तो ही लोग आपको समझ पाएंगे, आपके नेचर को समझ पाएंगे, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझ पाएंगे। तो हंसने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना हंसोगे उतना ही तुम दूसरों को हंसाओगे, क्योंकि हंसते हुए भी दिमाग अलग तरीके से काम करता है। जैसे हंसाते वक्त दिमाग अलग तरीके से काम करता है, वैसे ही हंसी को देखकर, हंसी को सुनकर, हंसाने वाली चीजों को देखकर और सुनकर दिमाग अलग तरीके से काम करता है। तो इन कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखो और धीरे धीरे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा, डेवलप होने लगेगा और ये बदलाव तुम खुद देखोगे अपने अंदर। और रही बात लड़कियों की, कि लड़कियों को सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लड़के क्यों पसंद होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है।